बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ डॉलर रेट और रियल रेट शेयर करने वाला हूँ आज मैं। और बुध वाला दिन है जी, आज कल जुमे रात है। मैं यहाँ पर आपको डॉलर रेट और एक्सचेंज यानी कि रेट आपको दिखा दूँ, जो आज के फिगर लग चुके हैं काफ़ी हैरानकुन है। ये कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करता था वो पूरी हो चुकी हैं, आपने थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। अच्छा, आज बुध कल जुमेरात बोल रहा था, कल क्यों बोल रहा था जुमेरात, कल भाई जुमेरात है, कल पार्टी शार्टी कर लीजिएगा, ढक्कन वक्कन खोलने दो, पार्टी शार्टी चलने दो, कल कीजिएगा। पता है आपको, मुझे भी पता है, मैं भी सऊदीया में ही रह चुका हूँ, अभी छुट्टी के तौर पर हूँ, तो जुमेरात वाले दिन पार्टी शार्टी चलती है। क्यों ये बोल रहा हूँ आपके साथ मैं, पार्टी तो बनती है, वो इसलिए बनती है कि पहले मैं, यार अच्छा छोड़ो इस चीज़ को, मैं आपको पहले डॉलर रेट दिखा दूँ। 221.99 रुपये, यानी कि 222 रुपये था कल और आज हो चुका है 224.92 रुपये, यानी कि कल की निस्बत में तकरीबन 3 रुपये तो बढ़ा ही है, 3 रुपये प्लस में जा चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पर रियल रेट बता देता हूँ मैं। अभी एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करूँ कि भाई ने मुझे कल कमेंट किया कि भाई आप जो बता रहे हैं कि वहां पर बैठे हुए बंदों की अगर पैसे बढ़ जाते हैं तो यानी कि रियाल का रेट अप जाने से, तो पाकिस्तान में 80,000 वाली चीज़ भी तो अभी 2 लाख में हो चुकी है। इतनी महंगाई तो नहीं वैसे हुई है, 2 लाख में तो नहीं हुई है 80,000 वाली, हाँ 1,20,000 में आप बोल रहे हैं तो मैं मान भी लूँगा। मैं बात ये करने वाला हूँ कि आप जैसा कि चलो ठीक है जी, पाकिस्तान में घी का पैकेट था पहले 300 का, अभी 500 का हो गया, ठीक है। अभी बात यह है जी, आप खुद से समझदार हैं आप, अच्छा मैंने मान लिया जी 200 का घी महंगा हो गया, लेकिन वहाँ पर पहले आप कमाते थे 2,000 के, आपके बनते थे 60,000, अभी 1,20,000 बन रहे हैं। परदेसियों की बात सुन समझ लीजिए, परदेसियों की भाई सैलरी जो होती है वो खुद ब खुद अप होती है, जैसे जैसे पाकिस्तान में महंगाई होती है उस टाइम परदेसियों की सैलरी, परदेसियों की तनख्वाह, परदेसियों की आमदनी खुद ब खुद अप होती जाती है। ये एक आप कुदरती फेल बोल रहे हैं, क्यों? डॉलर जैसे जैसे महंगा होता है, पाकिस्तान में महंगाई होती है, उसी हिसाब से रियाल के ऊपर असर पड़ता है और रियाल महंगा होता है और परदेसियों की सैलरी खुद ब खुद बढ़ती रहती है। तो महंगाई का असर परदेशियों के ऊपर नहीं होने वाला है, ये मैं क्लियर कर दूं कि उनकी भाई सैलरी उस हिसाब से, अभी आपको मैं फिर वही बात बता दूंगा, 1,000 के 60,000 बन रहे हैं, हालांकि अगर 2 माह पीछे चले जाएं तो 48,000 थे, 48-50,000 बन रहे थे, ऐसा ही है ना। तो बहरहाल आपको यहाँ पर पहले मैं एक्सचेंज रेट दिखा दूं जी, आज का 60.12 रुपये हो चुका है जी, 60 का फिगर लग चुका है, जो मैं 55 जब बोल रहा था आपके साथ, 55 मैं फिर बोलता था कि अभी कुछ दिनों से बोल रहा था 60 बोलने को दिल करता, तो आज 60 लग चुका है जी एक्सचेंज रेट में, 60.12 रुपये आज का रेट हो चुका है। इंडियन रुपए 21.32 रुपये, बांग्लादेशी टका 25% हो चुका है जी, ठीक है। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से सुन लें, आपको तहवील राजी बैंक का सबसे पहले रेट बताता हूँ, इनका रेट आज का पूरा 58 हो चुका है जी, 10 रियाल 17 रियाल 23 रियाल फीस के साथ है। वेस्टर्न यूनियन 58.41 रुपये रेट दे रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि बैंकों में 60 लगे फिर मजा आएगा, बहरहाल वेस्टर्न यूनियन 58.41 रुपये दे रहे हैं, 23 रियाल फीस है। मनीग्राम इस वक्त 59.60 रुपये, आपके नज़दीक तरीन मनीग्राम बैंक है जी, तो वहाँ से पैसे भेजे, 59.60 रुपये इनका रेट है, 23 रियाल फीस है जी। टैली मनी यानी कि ANB बैंक 58.10 रुपये रेट दे रहे हैं और 15 रियाल इनकी फीस है। STCPA की बात करें तो आपको 58.24 रुपये रेट मिलेगा और 17.25 रियाल फीस है। कल एक भाई ने मुझे व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज किया, भाई STCPA का अकाउंट कैसे बनाते हैं मुझे थोड़ा गाइड करते, तो मैंने तो मोबाइल ऐप है, आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके किसी भी बंदा जो जानता वगैरह इसके मतलब उससे बनवा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, फौरी बैंक बैंक कल जजीरा इस वक्त दे रहा है जी 58.57 रुपये, यानी कि 59 के करीब भाई फौरी बैंक का भी रेट पहुंच चुका है और इनकी 10 रियाल फीस है। अगर क्विक पे के मुतालिक बात करें तो आपको 58.87 रुपये रेट मिल जाएगा, 10 रियाल 17 रियाल फीस के साथ है। इंजाज बैंक की बात करें तो आपको 58.12 रुपये रेट मिलेगा, 10 रियाल 17 रियाल 23 रियाल फीस के साथ है। लास्ट में ये बात कर दूं, आप पैसे भेजना चाहते हैं थोड़े दिन रुक जाएं, 2-4 दिन।